हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने मांडू का रॉयल एनक्लेव ग्रुप देखा। आज के फाइनल एपिसोड में हम मांडू के रेवाकुंड और विलेज ग्रुप को घूमेंगे। तो अभी हम आ गए हैं बाज बहादुर का महल देखने, और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये महल जो है वो रेवाकुंड के पूर्व और पर्वतीय ढाल पर बना हुआ है, और कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो 1508 ईस्वी सन में किया गया था। रेवाकुंड यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो इसकी वजह से ये जगह बाज बहादुर को बहुत पसंद थी, और उनकी रानी जो थी, रानी रूपमती, वो हर रोज़ सुबह वहाँ रेवाकुंड पर जाया करती थी, दर्शन करती थी नर्मदा जी के। वैसे इसे नसीरुद्दीन ने बनवाया था, न कि बाज बहादुर ने, पर रेवाकुंड से काफी नज़दीक होने के कारण बाज बहादुर को ये काफ़ी पसंद था। इस रेवाकुंड से पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता था और टनल के थ्रू बाज बहादुर महल में पहुंचाया जाता था। तो जैसे ही हम महल के अंदर गए तो हमें संगीत की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक लड़का जिसका नाम शांतनु था, वो बहुत ही सुंदर तबला बजा रहा था। वैसे भी बाज बहादुर का ये जो महल है वो अपने इकोस्टिक साउंड के लिए काफी जाना जाता है। शांतनु ने भी उसी कमरे में बैठकर तबला बजाकर हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर मुंजाल, हमारे गाइड सब ने यहाँ गाने का मजा लिया। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, घड़ी का सफर नहीं गुजरा, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। ये बाज बहादुर महल के ऊपर का हिस्सा है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की लव स्टोरी जो है वो यहाँ पर काफी प्रख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती जो थी वो काफी सुंदर तो थी ही, लेकिन अच्छी गायिका भी थी, और दूसरी तरफ बाज बहादुर भी एक अच्छे गायक थे। लेकिन जैसे कि उस जमाने में होता आया था कि अगर किसी सुंदर रूपवान रानी की बात आती तो फिर दूसरे राजाओं की नजर उन पर अटकती। ऐसा ही हुआ रानी रूपमती के साथ। अकबर ने उनके लिए बुलावा भेजा पर बाज बहादुर ने मना कर दिया। तो अकबर ने अपने सेनापति आदम खान को मालवा पर आक्रमण करने भेजा, और जब लड़ाई में बाज बहादुर की हार हुई तो रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, परंतु वो सरेंडर नहीं हुई। इसी वजह से मांडू बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम की कहानी के लिए भी जाना जाता है। तो अभी तो हम जो है वो बाज बहादुर महल के ऊपर की तरफ है, ऊपरी हिस्से में है, और यहाँ से पीछे रेवाकुंड है। तो अब हम सोच सकते हैं कि पानी यहाँ पर कैसे आता होगा। तो रेवाकुंड से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता था, और यहाँ पर जो चैनल दिख रही है आपको, वो चैनल से पानी को यहाँ इस महल तक लाया जाता था। और इस जगह से आप खड़े रहकर देखेंगे, मतलब पूरे परिसर से तो वो दिख ही रहा है, पर यहाँ से भी आपको ऊपर की तरफ रानी रूपमती का महल वो भी दिखेगा।
वहां से फिर हम रानी रूपमती पवेलियन गए। तो अभी हम रानी रूपमती का महल देखने जा रहे हैं। उसकी हाइट जो है वो करीबन 365 मीटर की है और कहते हैं कि रानी रूपमती जो है वो यहाँ से बैठ के नर्मदा जी के दर्शन करती थी, क्योंकि बाज बहादुर को उन्होंने जब उन वो दोनों मिले थे तो बाज बहादुर ने उन्हें प्रपोज़ किया था और रानी रूपमती ने कहा था कि मैं नर्मदा जी के दर्शन किए बगैर अपना दिन की शुरुआत नहीं करती हूँ। तो बाज बहादुर ने स्पेशली ये पवेलियन रानी रूपमती महल जो है वो उनके लिए बनवाया था, ताकि वो सुबह उठ के नर्मदा के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कर सके। पवेलियन तक पहुंचने के लिए आप या तो स्टेप्स ले सकते हैं या फिर थोड़ी ढलान चढ़ के भी आप जा सकते हैं। बारिश में स्टेप्स थोड़े चिकने हो जाते हैं तो हमने चढ़कर जाने का नक्की किया। तो आप जैसे ही रानी रूपमती पवेलियन रानी रूपमती महल में एंटर करेंगे तो आपको एक सिमेट्री में बने हुए आर्चीज दिखेंगे। उसका उपयोग जो है वो घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल के तरीके से किया जाता था। तो ये भी एक जगह है जहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर आर्चीज जो है वो काफ़ी नीचे है, तो आपको झुक के चलना पड़ेगा ताकि आप सुरक्षित तरीके से ऊपर जा सके। नीचे एंट्रेंस में आर्चीज दिखने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको झुककर फर्स्ट फ्लोर पे आना है। ये जो जगह है वो रानी रूपमती का पवेलियन है, जिसके नाम से ये जगह बनी हुई है, रानी रूपमती महल, रानी रूपमती पवेलियन। यहाँ से सुबह वो नर्मदा जी के दर्शन करती थी और इसके ऊपर जो है वो रानी रूपमती की छतरियाँ बनी हुई है। ऊपर से आपको इतना खूबसूरत सा व्यू भी दिखेगा। ये मांडू जो है वो मानसून वाला मांडू है। यहाँ से आपको नीचे बाज बहादुर का महल भी दिखेगा। ऊपर जो है वो रानी रूपमती की छतरियाँ हैं। पहले तो वहाँ जाने का अलाउड था, लेकिन हमारे गाइड के अनुसार पिछले 3 साल से इसे बंद कर दिया गया है। अगर हमें पुराने फोटोग्राफ्स कहीं मिले तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी ऊपर का, ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। और अभी जो है वो फॉग है, तो हमें पता नहीं है कि अभी हमें नर्मदा दिखेगी कि नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वेदर अच्छा हो तो आज भी यहाँ से आप नर्मदा को देख सकते हैं। यहाँ से एक छोटी सी टनल से होकर भी आप बाहर निकल सकते हैं और उसी टनल के पास में एक जगह है बावड़ी जैसी, जहाँ पानी स्टोर किया जाता था। वापसी में रास्ते में हमने इको पॉइंट भी देखा। रास्ते में आपको कई सारे मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। तो अभी हम आए हैं जामी मस्जिद। यहाँ पर भी आपको टिकट लेना पड़ेगा 25 रुपए का और फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं।
जामी मस्जिद में कमल के फूल, खंबे पर बनी नक्काशी बहुत सुंदर है। तो ये जो जगह है वो जामी मस्जिद है जिसे 1405 में होशंग शाह ने बनवाया था। जामी का मतलब होता है लोगों का एक जगह पर जमा होना, इकट्ठा होना, तो इसी के नाम से है ये जामी मस्जिद और यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। जामी मस्जिद के ठीक पीछे होशंग शाह की दरगाह है जो कि व्हाइट मार्बल में बनी हुई इंडिया की पहली दरगाह है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो होशंग शाह का मकबरा है जिसे उसने खुद ने बनवाया था 1405 से 1435 के बीच में। उसके यहाँ पर आप देख रहे हैं वो दो और मकबरे या दो कब्रें हैं, वो उनके अंग रक्षक की है। बाकी यहाँ बाजू में भोजनशाला वगैरह है जो मोहम्मद खिलजी ने बनवाए थे। कहते हैं कि ये होशंग शाह का मकबरा देखने के बाद शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। जामी मस्जिद के ठीक सामने ही अशरफी महल है, वहाँ मोहम्मद खिलजी का मकबरा देखा जा सकता है। और तिवारी जी ने यहाँ हमें कई कहानियाँ बताई जो इस महल के नाम के साथ जुड़ी हुई है। एक और एक अच्छी घटना जो किंवदंती के रूप में मानी जाती है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि महमूद खिलजी ने महाराणा मेवाड़ के जो राजा थे उनसे फाइट किया, फाइट में निष्कर्ष नहीं हो पाया। इस बीच चित्तौड़ जाकर उन्होंने महाराज ने विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने यहाँ एक 7 माले ऊंचा टावर खड़ा किया था जिसे विजय स्तंभ के रूप में कहा जाता है। विजय स्तंभ में अंदर की ओर पूरी स्पाइरल स्टेप्स हैं जिसकी गणना की गई तो 198 सीढ़ियाँ हैं। जहांगीर नूरजहां से निवेदन किए थे कि हम इसके ऊपर जाके शाम के समय जो सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा शहर का, तो नूरजहां डिलीवरी टाइम में थी। अच्छा। उन्होंने असमर्थता अपनी बताई और उस स्थिति में जहांगीर ने पर स्टेप्स गोल्ड क्वाइन रखवाया और उन सीढ़ियों को उनको चढ़वाया गया। चढ़ने के बाद एक सुखद अनुभव हुआ उनको, मांडू का एक बड़ा सा शहर देखने को मिला, एक बहुत खूबसूरत शहर देखने को मिला जी। और बदले में नूरजहां लौटते वक्त उन अशरफियों को कलेक्ट किया, चूँकि उन्हें देखने के लिए एक जन सैलाब खड़ा हुआ था अगेंस्ट उनके, तो उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना ये अशरफियाँ उनमें खैरात की जाए जी। तो जहांगीर के समय से फिर इस जगह को जो नाम मिला है अशरफी महल। अच्छा। यहाँ मांडू में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं कि अगर मैं उनके नाम लेना शुरू करूँगी तो वो नाम बताते बताते मैं थक जाऊँगी और आप उनकी गिनती करते करते थक जाएंगे। तो अभी हम जो आए हैं वो है सोमवती कुंड। तो तिवारी जी ये बताइए दरिया खान कौन था? दरिया खान महमूद खिलजी हमारे यहाँ के जो सुल्तान थे, दरिया खान के अधीनस्थ एक पदस्थ यहाँ ऑफिसर होता था और उसको पूरा जब भी ये मालवा विजय अभियान या मालवा से अतिरिक्त जो क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता था तो सेना के साथ ये निकल जाता था, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण जो है मालवा का ये दरिया खान के सुपुर्द होता था। अच्छा। और वो बेहतर संचालन करता रहा है, इस वजह से महमूद खिलजी ने उसके मृत्यु पश्चात एक शानदार जगह पे उसको दफन किया है। अच्छा। जो हम लोग देखेंगे अभी। और उसी के आसपास इतना सुंदर तरीके से उन्होंने कारवां सराय टाइप उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया है।
फिर उसी कैंपस में बने कारवा सराई को देखने गए। ट्रैवलर जो रेगुलर एक बजट वाला ट्रैवलर जा रहा है तो उसको रुकने के लिए एक बड़े बड़े हॉल होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ जो गेस्ट आते थे उनके लिए विशेष ये गेस्ट हाउस के हिसाब से उपयोग में रहा है। इसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, इवन रेस्टरूम वगैरह सिस्टोमेटिक बने हुए हैं, हर उससे जुड़ा हुआ है। बीच में एक काफी सिस्टोमेटिक रिसेप्शन हुआ करता था। महमूद खिलजी के फादर मलिक मुगीत, जिनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उन्होंने एक शानदार जगह मस्जिद के रूप में बनवाई, लेकिन कहीं ना कहीं आप फ्रंट देखेंगे तो एज ए आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखने पर पता चलता है कि प्योर पर्शियन आर्किटेक्चर यूज़ किया गया, लेकिन अंदर के भूभाग में कहीं ना कहीं पिलरों की जो संख्या और संख्या के साथ उसमें जो रिच कार्विंग मिलेगा जी, उससे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू और पर्शियन आर्किटेक्चर जो है उसका बहुत अच्छा मिश्रण हमको देखने को मिल पाएगा यहाँ पर। मांडू में आपको अलग अलग जगह पर कई सारे कारवां सराई दिखेंगे। सराई बोले तो आज के ज़माने में हम उसे होटल कह सकते हैं। तो इतने सारे कारवां सराई देखने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि किसी ज़माने में यहाँ ट्रैवलर्स की तादाद जो है वो काफ़ी संख्या में रही होगी। यहाँ पर दाई की छोटी बहन और दाई के मकबरे भी हैं, जो कि ऑक्टागोनल शेप में बने हुए आर्टिस्टिक मकबरे हैं। इतना देखने के बाद हमें इतना तो महसूस हुआ कि अभी तो काफ़ी कुछ देखना बाकी है, काफ़ी सारी कहानियाँ सुननी बाकी है, पर हमारे पास अब वक्त नहीं था, हमारे पास वक्त की कमी थी। तो जो आखिरी डेस्टिनेशन हमने पसंद किया जाने के लिए वो है नीलकंठ महल। अभी हम नीलकंठ महादेव मंदिर आए हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम तिवारी जी से लेते हैं। देखिए नीलकंठ महादेव जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे ना, उन्होंने इस जगह पे आके इतना अनुपम जगह, अनूठी जगह जब उनको ये पसंद आई तो उनकी सोच बनी कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जाए, क्योंकि पहाड़ियों में से निरंतर छोटे छोटे छिद्रों से पानी का बहना, शंकर जी को जलाभिषेक निरंतर बना हो अपने आप कुदरती, ये कुदरती प्रभाव है और ये प्रभावी क्षेत्र है। भारत यानी कई अनोखी जगहों के साथ बहुत सारे किस्से कहानियों का देश, यहाँ की हर जगह में कोई ना कोई लोक कहानियाँ जुड़ी हुई है। मांडवगढ़ मांडू भी एक ऐसी ही जगहों में से एक है। ऊपर ऊपर से देखने और घूमने वालों के लिए ये एक दिन में पूरी होने वाली जगह है, पर जो वाकई इस जगह को टटोलना चाहते हैं उनके लिए 5 दिन भी कम है, जैसा हमारे साथ हुआ था। पर जो भी हो, आई होप कि ये वीडियो और ये मांडो सीरीज आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब अगली मुलाकात नई जगह के साथ।